तो नमस्कार, आज मैं आप लोग मिलवा रहा हूँ भोजपुरी सुपरस्टार ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी के मैनेजर विवेक सिंह जी से। देखिए इनकी तबीयत खराब है, लेकिन एक होटल में गुजर रहा था तो इनके से मुलाकात हुई सुबह सुबह, तो हम जानना चाहें कभी भी काले के बड़ा नया नया मामला बा खेसारी लाल यादव के सुबह सुबह लाइव आके बोले हैं कि मुझे सुशांत सिंह राजपूत बनने मजबूर ना करे, इस पर आपका क्या रिएक्ट है? एक्चुअली वो इंटरव्यू भैया लाइव आए थे, मैंने देखा भी था, मैं सोच रहा था भैया जनरली भैया लाइव आते हैं तो मुझे बता देते हैं कि मैं लाइव आने वाला हूँ। उन्होंने नहीं बताया, उनको पता था तबीयत खराब है तो शायद मुझे नहीं बताया उन्होंने, तो मुझे किसी ने बोला कि भैया लाइव है। मैंने देखा, मैं खुद बहुत अपसेट हो गया देखने के बाद, और अपसेट का मैं बहुत गुस्से में आया। तो मेरा पहला कॉल भैया ही का था, तो मैंने कॉल किया, मैंने क्या हुआ, क्या कैसी बात है। उसके पहले हम लोग की बात हो रही थी, बहुत कुछ पता चल रहा था, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई विच इज़ नॉट गुड। एक इंडस्ट्री का इतने बड़े एक्टर हैं और जो अभी अच्छे से उनको दर्शक इतना प्यार कर रहे हैं, उनको कुछ लोग मिलके, पूरी इंडस्ट्री तो मैं नहीं बोलूँगा, नहीं भैया पूरी इंडस्ट्री मानते हैं, कुछ लोग हैं जो ज़बरदस्ती, ये देखो वो भी एक इंसान है और बहुत इमोशनल इंसान है, चार तरफ से उनको प्रेशर दिया जाएगा तो वो भी परेशान हो जाते हैं। तो जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार इतना परेशान हो गए तो अपना मैं किससे बोलूँ। तो वो कुछ जो अपने होते हैं लोग उनके पास जाते हैं जब वो परेशान होते हैं, तो भैया के अपने उनके दर्शक हैं, उनके फ़ैन हैं, तो भैया लाइव आकर उन अपने फ़ैन से ही उन्होंने बोला कि मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं और मुझे परेशान मत करो। तो ये छोटी सी परेशानी है, निकल गई, नाउ इज़ वेरी हैप्पी और शूट कर रहे हैं और लखनऊ में राजा की आएगी बारात का शूट चल रहा है बहुत अच्छे से। बट हाँ कुछ लोग हैं, बट कोई बात नहीं, वो भी सही हो जाएंगे। जैसे कि मुझे मालूम चला, जैसे आपको पता है कि मैं भोजपुरी फिल्म का प्रचार प्रसार में लगा रहता हूँ, कुछ निर्माता, कुछ मीडिया वाले भी हैं, कुछ भोजपुरी खलनायक भी हैं जो इस चीज़ में संलिग्न हैं और चीज़ों को खराब करने के लिए लगे हुए हैं। जी जो खलनायक है वो तो खलनायक ही कर रहा है, कोई बात नहीं, खलनायक ही करो, उसको हीरो पीटेगा भी वो भी तय है। जो कुछ मीडिया वाले होते हैं वो अपने आप को तथाकथित मीडिया करते हैं। मैंने जितना मेरा जानकारी, जितनी मेरी पढ़ाई लिखाई है, जर्नलिज्म वो होता है कि आप दोनों पहलू को देखो, आपने एक पहलू को देखा उसी पे आपने न्यूज़ बना दी, आपने ना उस अगले इंसान को फ़ोन किया, ना एक मैसेज किया, ना ही उसके किसी ऑफिशियल आदमी को, ना ही आपने मुझे मैसेज किया, ना फ़ोन किया जानने के लिए कि खेसारी जी का क्या पक्ष है। आपने एक न्यूज़ बना दी, जस्ट आपको एक टैग लाइन चाहिए खेसारी लाल यादव और आपको उसके ऊपर न्यूज़ बनाना, विच इज़ वेरी रॉन्ग। हम लोग चाहें तो उसके ऊपर कुछ क्लेम भी कर सकते हैं, बट हम नहीं करते हैं, जाने दीजिए। आपका घर चल रहा है, भैया का मानना है कि जिसका घर चल रहा है चलने, तो बेटा क्या प्रॉब्लम होती है। और कुछ निर्माता निर्देशक हैं, उन लोग ठीक है, अपनी अपनी उन्होंने गैंग बनाए हैं, नहीं किए हैं, दैट इज़ देयर कॉल। लेकिन आप ये देखो एक छोटी चीज़ कि आज हिंदी भोजपुरी छोड़ी हिंदी में भी जब थिएटर्स रीओपन होने वाले हैं और दर्शक वहाँ नहीं पहुँच रहे, तो एवरीबडी इज़ लुकिंग अप टू सलमान खान कि यार सलमान खान की पिक्चर रिलीज़ करो राधे ईद पे तो दर्शक शायद सिनेमा हॉल में आए। तो क्यों नहीं वो जो निर्देशक और प्रोड्यूसर्स हैं उन लोगों ने किसी और हीरो का रिलीज़ किया या किसी और के बारे में सोचा। भैया ने भैया के पिक्चर हमारे बहुत अच्छे जो यसी फिल्म्स के ओनर हैं अभय भैया ने उनकी पिक्चर को रिलीज़ किया, बिकॉज सबको पता है कि भैया की पिक्चर रिलीज़ करोगे दर्शक उनसे इतना प्यार करते हैं कि वो थिएटर्स में आएंगे। दुल्हन वही जो पिया मन भावे क्यों दो हफ्ते तक हाउसफुल चली, क्योंकि उसके स्टार, उसके एक्टर, उसकी पूरी टीम जो खेसारी भैया की टीम है उन्होंने मिल के काम किया था और वो पिक्चर रिलीज़ हुई और आपको पता है कि दो हफ्ते तक पिक्चर अच्छी चली। तो पीपल आर लुकिंग, ये इंडस्ट्री खुद खेसारी लाल यादव की तरफ देखती है जब ऐसा प्रॉब्लम आता है, और लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। जैसा कि आपको पता है कि मैं काफ़ी टाइम से भोजपुरी इंडस्ट्री में जुड़ा हूँ, मनोज तिवारी, रवि किशन भी इस लफड़े में बहुत बड़े बड़े चीज़ों में फंसे थे। आज डेट में देखा जाए तो पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और प्रदीप पांडे चिंटू, तीनों में अगर देखा जाए तो तीनों तीन रूट में भाग रहे हैं, आपस में किसी के भाई वाला भाईचारा चीज़ें नहीं है। तो इस पर आप लोग कभी पहल किए हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री को एक साथ लेके चले? हम लोग की तरफ से तो एक साथ ही है, और मुझे लगता है अभी पवन भैया का बर्थडे था, हम लोग उनके ऑफिस में गए थे, केक काटा, भैया से अच्छे से मिले, भैया से मेरे भी अच्छे रिलेशन है। खेसारी भैया उनको हमेशा बोलते हैं कि वो मेरे भाई हैं और हमेशा भाई मानते हैं, मुझे यहाँ तक लगता है कि पवन भैया भी उनको भाई ही मानते हैं। जहाँ तक चिंटू की बात है, मैं चिंटू भाई का भी बोलूँगा, मुझे नहीं पता कि उनके क्या कॉर्डियल रिलेशन है, लेकिन एक चीज़ का बुरा लगा था कि आप एक इंटरव्यू में जब आपके खेसारी भैया के बारे में पूछा गया तो आप वहाँ से हट गए। आज आपने मुझसे चिंटू जी को लेकर क्वेश्चन पूछा और मैं भी यहाँ से हट जाऊँ, तो इट्स इंसल्टिंग, इट्स नॉट गुड। हम एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे हम एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। प्रोफेशनल हम लोग के राइवलरीज हो सकती हैं, प्रोफेशनल हम एक दूसरे के खिलाफ हो सकते हैं, बट एक पर्सनल रिलेशन में मुझे लगता है कि वो लोग भी एक दूसरे के खिलाफ हैं। कुछ चीज़ें हो जाती हैं, बट्स ओके, कोई बात नहीं।